प्रिय मित्रों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पाठ्यक्रम कराएंगे। प्रश्न नंबर 82 को देखिए भैया, वेग की इकाई क्या है? वेग की इकाई क्या है? इस वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 83, आज देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 83, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अदिश राशि। प्रश्न नंबर 84 देखिए बहुत मजेदार है, साइंस का सवाल है। यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? वेग में देख रहे हैं, वेग और परिमाण दोनों हो उसमें उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी सही है, सदिश राशि। प्रश्न नंबर 85 देखिए, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन दर क्या है? विस्थापन के परिवर्तन दर क्या है उसको क्या बोलते हैं? वेग। क्या बोलते हैं इसको? वेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 86, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, अपनी स्थिति को नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं? वस्तु का विश्राम में होना। वस्तु का विश्राम में होना ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 87 देखिए बहुत मजा आने वाला है। प्रश्न नंबर 87 देखिए, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? वस्तु की गति में होना। वस्तु का गति में होना ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्तु की गति में होना। प्रश्न नंबर 88 देखिए, साइंस का सवाल है, इसको थोड़ा सा बारीकी से लगाना है। देखिए, उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है? बताइए वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। वेग बराबर दूरी बटा में समय। तो 168 को ऊपर कर दीजिए और 21 को नीचे कर दीजिए और उसको भाग दे दीजिए, कितने आ रहा है इसमें? देखिए 21/8 कितना होता है? 168। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 8 किया है बी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 89 देखिए, मैथ की कुछ सवाल है। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी? अरे वाह, क्या बात है, ट्रेन तो सब कोई देखा है ना। सवाल पहले पढ़िए, जो 20 सेकेंड में 120 लंबे प्लेटफार्म से गुजरती है। दिखाइए, देख रहे हैं ना, तो मीटर और लंबे समय जितना ट्रेन है उसका हम प्लस करेंगे यानी जोड़ के उसमें 20 का भाग करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 90 देखिए, बहुत मशहूर चीज है, हमेशा हर ईयर्स में आता है। देखिए, त्वरण के लिए सूत्र क्या है? त्वरण के लिए सूत्र क्या है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? इसका डिफिनेशन ही होता है ना, वेग परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? सूत्र पूछ रहा है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। वेग परिवर्तन बटा में समय, इसको हल करने के लिए इसका सूत्र ये लगाते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बटा में टी। ये जो होता है त्वरण होता है, यही ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 91, किसी वस्तु की त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की मात्रक क्या होता है? बताइए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक यही होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है, उसको इकाई बोलते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखिए, एक कार का त्वरण क्या होगा?
यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अभी अभी आगे वाले प्रश्न में मैंने बताया है, इसके पीछे वाले प्रश्न मैंने बताया है अभी अभी कि त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होती है, अभी मैंने बताया है। तो उसी फार्मूला के ऊपर हम जब रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.069 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर तिरानवे देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लगाया जाता है तो उसका मंद क्या होगा, उसका मंद क्या होगा। मंद की फॉर्मूला क्या होती है, पहले किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को हम मंद कहते हैं, क्या बोलते हैं, मंद कहते हैं। तो मंद का सूत्र वही होता है जो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय, ए बराबर वी माइनस यू बटा में टी। हो गया कि क्लियर। अब समय आप जानते ही हैं, तो 50 में से 45 करके अपना निकाल लेंगे तो फार्मूला भी जब रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 94, लैंडिंग फील्ड में उड़ान भरने वाले जहाज हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेकअप, जिसको टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। यानी त्वरण ही है, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय, ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी पे रख दीजिए, तुरंत ही सवाल आप लग करके आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर पंचानवे देखिए क्या दिया है, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड, जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी फेंका जाता है जब ऊपर जाता है तो उसको फेंका जाता है वेग, तो वेग को जब ऊपर फेंकेंगे तो देखिए क्या निकलता है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई हमें निकालना है। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, इसके ऊपर आप फार्मूला को रखते हैं तो वेग का परिवर्तन आएगा तो उसका आंसर आएगी 20 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। प्रश्न नंबर 96, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए किसकी परिभाषा है, वो शक्ति की परिभाषा है, किसका परिभाषा है, शक्ति की। एक इकाई समय में किया गया कार्य को हम शक्ति बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शक्ति। प्रश्न नंबर 97 देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा की डिफिनेशन यानी परिभाषा होती है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 98, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है, दक्षता, क्या होती है, दक्षता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 99 यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जूल कहते हैं। न्यूटन की मात्रक यानी जूल होता है, तो उसे न्यूटन का मात्रक है तो पूछ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, तो जूल, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक जूल। प्रश्न नंबर 100 देखिए, एक जूल के कितने अर्क्स होते हैं 107 अर्क्स, कितना होता है, 107 अर्क्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 101, एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 9.81 न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 102, मैट्रिक सिस्टम में एक हर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है,
735.5 वाट्स। प्रश्न नंबर 103, ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? 746 वाट्स, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 104, मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 75 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 105, स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है? जूल। क्या सूत्र है? जूल, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 106, गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? हाफ एम वी स्क्वायर यानी 1/2 एम वी स्क्वायर जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 107, एक घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप एक मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है? तो इसको क्या बोलते हैं, क्या पूछ रहा है? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला मैंने बताया है, तो उसके ऑप्शन से आप हल करेंगे तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा कर देंगे तो आएगा 12 × 105 किलोग्राम मीटर, किलोमीटर है ना, 12 × 105 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 108, यदि 250 न्यूटन बल की किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है? बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 3750 जूल, 3750 जूल, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 109, प्रश्न नंबर 109 देखिए, यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? देख रहे हैं 250 किलोग्राम की द्रव्यमान है, उसको 30 मीटर ऊंचाई पे ले जाना है तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बताया, उस पर हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 73.57 किलो जूल। प्रश्न नंबर 110, प्रश्न नंबर 110 देखिए, यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1962 जूल, 1962 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिय मेरे दोस्तों, सुन लीजिए कि हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें।